गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई सबको। आज भाई ब्लॉग नंबर वन की भाई स्टार्टिंग है भाई हमारे बिग ब्लॉग की, फुल ब्लॉग्स की भाई। इसमें हम आपको एथलेटिक्स की पूरी जर्नी दिखाई है, मेरी एथलेटिक्स लाइफ कैसी होती है, एथलीट की पूरी लाइफ क्या होती है। तो भाई हमारी जर्नी से जुड़े रहे और भाई हमारी वीडियो देखते रहे। और भाई जब सब सुबह 4 बजे भाई आराम से सो रहे हैं तो भाई हम जा रहे हैं अपने वर्कआउट पर। भाई देख सकते हो भाई जहाँ पूरा अंधेरा है, खाली पड़े पूरे रोड, तो भाई ग्राउंड पर जा रहे हैं। और भाई ग्राउंड हमारे घर से भाई 20 किलोमीटर है भाई। बस स्टॉप पे पहुंच गया, देखो बस स्टॉप भाई पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई। फाइनली भाई 1 घंटे के लंबे सफर के बाद पहुंच चुके हैं स्टेडियम भाई। अब स्टेडियम में भी 1 नंबर गेट से भाई 10 नंबर गेट पे जा रहे हैं भाई, क्योंकि आज है भाई हील वर्कआउट। और भाई हील वर्कआउट होता है 10 नंबर गेट के पास, क्योंकि भाई वहाँ पर है फ्लाईओवर भाई, फ्लाईओवर वर्कआउट भाई बहुत अच्छा होता है। तो भाई सभी बच्चे वहाँ हैं और भाई हम भी वहीं जा रहे हैं भाई, मिलते सीधा आपको वहीं। और भाई आप भी हमारी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखे और भाई शेयर करो। और भाई अब जो हमारा 1 महीने का रेस्ट हुआ था भाई उसको कवर करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है भाई, इम्प्रूव करना है अपना आपको। तो भाई अब तो भाई वर्कआउट करेंगे, अब दम लगा के पूरा दम देना भाई वर्कआउट में, देखते हैं और भाई क्या होगा फिर उसके बाद, क्या टाइमिंग रहेगी, पुरानी वाली टाइमिंग आएगी या और अच्छी आएगी। तो भाई देखते रहो और हमारी लाइफ से जुड़े रहो और भाई हमारी जर्नी का पार्ट बनो आप भी भाई। वो देखो पूरा सामने 10 नंबर गेट। फाइनली भाई हम भी पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखो भाई अभी भाई सीधा फ्लाईओवर पे जाके आपको दिखाऊंगा। फाइनली भाई पहुंचने वाले हैं फ्लाईओवर पे भाई। ये देखो भाई फ्लाईओवर तो आ गया, ये मेट्रो गेट नंबर 1 के पास है। ये रहा भाई मेट्रो नंबर गेट नंबर 1 भाई। अभी चलना है भाई, थोड़ा सा दूर और चलना है भाई। हम टाइम पे आ गए पर अभी कोई आया नहीं, ना सारा आया ना कोई भी नहीं आया, तो भाई जब तक वेट करते हैं भाई सबका। और भाई जो भी हमारी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, एथलेटिक्स लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, जिन्होंने एथलेटिक्स लाइफ छूट चुकी है किसी कारणों से भाई, मुझे पता है भाई एथलेटिक्स लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो भाई छूट जाती है। तो भाई हमारी जर्नी का पार्ट बनो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भाई हमारी जर्नी को अपनी जर्नी समझ के देखो और जियो भाई। और भाई ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने एथलेटिक्स भाई से सपोर्ट मांग रहा हूँ, क्योंकि भाई सबकी जर्नियाँ देखते हो भाई, अपने एथलेटिक्स भाई की भी जर्नी देखो, तो भाई मैं सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, वीडियो को शेयर करो भाई। ये जर्नी ज़्यादातर भाई उन लोगों के लिए भाई जो स्पोर्ट्स को हल्के में लेते हैं, और भाई वो सोचते हैं एथलीट ऐसे ही है, क्या इनका क्या करेंगे, बस ऐसी भागते हैं कूदते हैं ये वो, कुछ नहीं होगा। तो भाई हम भाई सुबह सुबह भाई देखो हमारी जर्नी में हम क्या करते हैं, कैसे सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने लिए, कैसे पैसे बचाते हैं अपनी डाइट के लिए। तो भाई देखो भाई सबसे ज़्यादा और भाई सबसे ज़्यादा चीज़ों का हमें पता चला है कि एथलीट कितना करता है सबके लिए, अपने लिए कैसे कैसे बचते हैं भाई। सब आ लिए लो ओए सरपंच जी बना दी। रुक जाओ 1 मिनट आना मत। अरे मैम मुझे ही बड़ा हम लोग भैया
भाई वर्कआउट फिनिश करके भाई पहुंचने वाले भाई घर। ये देखो भाई पार्क में पहुंच चुके अपने भाई, जो घर के पास पार्क है उसमें पहुंच चुके भाई। जल्दी जल्दी जाएंगे घर, फिर जाएंगे भाई कपड़े बदल के भाई आपको दिखाएंगे दिल्ली के सारे रावण, कितने तगड़े रावण भाई सब दिखाएंगे आज। भाई खाना पीना तो खा चुके क्योंकि भाई ग्राउंड पे एक लड़के का बर्थडे था तो भाई वहाँ बने थे पनीर पुलाव। भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई ग्राउंड से सीधा शॉर्ट्स में ही आ गए भाई। हमारे इस पार्क में भी रावण लगते हैं भाई, देखो वहाँ लगे हुए। अभी मैं आपको पास जाके दिखाऊंगा, दो मिनट को भाई सीधा वहीं जाके दिखाता हूँ आपको मैं कि ग्राउंड में भी हमारे वाले पार्क में भी रावण लगते हैं भाई। दो तीन जगह लगते हैं वहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह।